जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा राजस्थान में, धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराई गई, यहाँ वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है पड़ रहा उनके लिए कि बार बार वो जो दुख दे रहा उनको, उनकी टीस बार आ रही। बाबा आप समझ गए, टीस बार आ रही है कि मतलब गिरा क्यों नहीं पाए। इसलिए अब ये पांच पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मैं अपने पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन, ये धावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं, 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर दो, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे डायरी का, रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहां महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को, इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं, और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है, पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए, वो कहां गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक, कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उन छापे में हुआ क्या है? किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रखो, आप विधानसभा स्तर पर रखें, 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है, चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीन कुड़कनी होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है, उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो, उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शांत देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ जबकि फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा क्यों भाषा है? ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का
इनको अधिकार नहीं है जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे उसके सामने, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए, उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कनेला की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप हमारा विज्ञापन देखिए, आप सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस फिर से और ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सेल ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने, हमने एसएलबी डायर किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया, कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में, भाई और बहनों अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके, हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो गुजरातियां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने की गुजराती आ गया है, भाई और बहनों गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा, बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थारू दूर नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। सवाल ये है, अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे, ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चुनाव चलते हुए, किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी जो घर घर पहुंच गई है, और मुझे कहते हो घर है तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग टच कर लिया, 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया, हम सब लेके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हम सब ले एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लाल डाई के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को, तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी, तो मेरा मिसयूज किया गया। 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो, छापे डाल दिए पीसी बहन के घर पे, 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको, उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पर जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now